गुड मॉर्निंग गाइस, हैप्पी बर्थडे टू मी। तो गाइस मैं ना मतलब 5:50 में उठ के नहा धा के सब काम खत्म कर लिया मैंने। मम्मी ने भी नहा लिया, अभी मेरे हस्बैंड नहाने गए, तो तब तक मैं अब बेबी को रेडी करूँगी, बेबी का सामान रेडी करूँगी, उसका बैग रेडी करूँगी, क्योंकि कहीं जाने से पहले बेबी का सब सामान रेडी होना पड़ता है, कपड़े से लेकर डायपर एवरीथिंग उसका कैरी करना पड़ता है। तो अभी मम्मी भी रेडी हो रही है बच्चा को रेडी करके, फिर मैं भी घर का पूजा भी कर लेती हूँ, फिर घर का पूजा करके मैं भी रेडी हो जाती हूँ फटाफट से। तो आज का दिन ऐसे ही स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग बहुत सारा प्यार और बहुत सारा ब्लेसिंग दीजिए मुझे, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, आप लोग का आशीर्वाद का बहुत ज़रूरत है। चलो आप लोग मेरे लिए विश करना कि मतलब मेरा हेल्थ सही हो जाए, क्योंकि पिछले साल बहुत मेरा हेल्थ ख़राब हुआ था। इवन बर्थडे का दिन भी मैं बहुत बीमार थी, क्योंकि मुझे कोविड हुआ था लास्ट ईयर। तो इस साल मुझे कुछ बीमारी ना हो, मेरा हेल्थ अच्छा हो, मतलब ये विश करना मुझे मेरे लिए। तो गाइस यहाँ पे मेरी वाइफ के बर्थडे में हमारी जो आंटी है ना हाउस हेल्पर जो है, उनकी नाती को बुनो गिफ्ट दे रही है। ये स्कूल बैग दिया एंड ये कपड़ा और मतलब टी शर्ट और हाफ पैंट है क्या? ये ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो इधर चेंज करते हैं। देखो टी शर्ट और हाफ पैंट भी दिया, हो जाएगा? छोटा होने से अच्छा बड़ा ही है ना? हाँ छोटा बड़ा ही होना चाहिए। किसी को मत देना ठीक है, ये पहन के दिखाओ एक बार, इसके ऊपर से पहनो एक बार। क्यों बड़ा होगा तो तुम एक्सचेंज कराओगे? पैन तो सही है ना, फिटिंग सही है या लूज हुआ? ठीक है, बेल्ट लगाने से होगा, हो जाएगा, थोड़ा बड़ा तो पहन पाएगा ना, टाइट होगा तो फिर बड़े होने से नहीं होगा। हाँ हाइट बढ़ जाएगा ना बच्चों का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज स्कूल बैग मत फटाना ठीक है? तुम्हारी दादी बोल रही, नानी बोल रही थी तुम बदमाश। अच्छा दादी बोल रहा था, मेरी नानी है ना। हाँ बदमाश करते हो, बैग फटाते हो, मत करना ऐसा ठीक है। मेरा जो वो देखा ना मामू पिता तोड़ के उसने लगा, क्या हुआ दिया? क्या क्या किया मामू को? ना दिया उसको। हाँ उसको बैग को, पहले क्या हुआ था बैग को? टूट गया था मेरा, अच्छा नया लगवा लिया था। पिता लगवा लिया था, अब मैंने नया ला दिया है ठीक है, इसको अच्छे से रखना। और हैप्पी बर्थडे दीदी बोलो। तू थैंक यू बोल। थैंक यू। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग मंदिर जा रहे हैं, हम चारों देखो मिलो इनसे मिलो। हेलो श्रेयांश, हेलो श्रेयांश, हाउ आर यू? देखो देखो पोजीशन, देखो पोजीशन, मम्मा के गोदी में कितना मजा आ रहा है, धूप भी आ रहा है, नानी को देखो पीछे। हेलो, चलो अब हम जा रहे हैं शीतला माता मंदिर, माता का दर्शन करने के लिए। जब मैं प्रेग्नेंट थी, जब मेरा भाई आया था तब मैं गई थी, वो ब्लॉग मैंने डाला है सरस्वती अर्पण एस के 01 हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो चैनल में डाला था, इस चैनल में नहीं डाला था, तो आप लोग वहाँ भी जाके देख सकते हो। जब मैं प्रेग्नेंट थी 7 मंथ की में भी तब गए थे हम लोग, तब मैंने नूनू को मांगा था माता जी से, तो अभी नूनू को लेके मेरे बर्थडे में जा रहे हम लोग, बर्थडे में हैप्पी बर्थडे करने जा रहे हैं हम लोग। देखो तो मेरे नूनू कितना हैप्पी है, मम्मा तो गोदी में लेटा है। हाँ गोदी में सेन पापा जी के साथ है इधर, पापा जी चश्मा के साथ देखो, और यहाँ पे नानी जी सबके लिए उधर गांव में सबके लिए सामान खरीद रही है मंदिर से। तो गाइस हम माता के दर्शन के लिए अभी अंदर प्रवेश कर रहे हैं। देखो सुबह सुबह आने का ना फायदा ये है कि आपको पूरा पूरा खाली मिलेगा यहाँ पे ना, एकदम खाली, कोई लाइन नहीं है। अगर आप मतलब छुट्टी के दिन पे आते हो सैटरडे संडे एंड शाम के टाइम पे आते हो तो ज़्यादा रस मिलता है यहाँ पे। अभी लोग आना ना स्टार्ट करते हैं मतलब यहाँ पे ना, मतलब काफ़ी दूर दूर से लोग आता है, ये काफ़ी प्रसिद्ध मतलब माता की मंदिर है, और यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से ना एक पूरे बस में मतलब पूरा ऐसे
बस भर भर के आता है यहाँ पे। तो देखो पापा जी के साथ गाइस, हम लोग पहले ना वहाँ से जाते थे नीचे से, जब बच्चा नहीं हुआ था तो हम लोग वहाँ से जाते थे डायरेक्ट यहाँ से नीचे से क्रश करते थे। तो अभी बेबी के साथ नीचे से रिक्स होगा ना, तो हम लोग ऊपर से जाते हैं, जा रहे हैं। माता दी प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आज खाली है गाइस, अच्छे से दर्शन कर पाएंगे। गाइस ये आज ना इतना खाली है मतलब, तो आपको अच्छे से माता का दर्शन कराने का मौका मिल रहा है मेरे को। ये देखिए शीतला माता मंदिर, जो गुरुग्राम में एकदम प्रसिद्ध मंदिर है, हरियाणा में पड़ता है ये। यहाँ पे जो भी आप मन्नत मांगते हो वो पूरी होती है मतलब माता की कृपा से। तो आपको आज मैं अच्छे से मतलब दिखा पा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारा शीतला माता देवी यहाँ पे है, एंड ये मेन मंदिर है यहाँ पे। यहाँ पे मेरी प्यारी सी धर्मपत्नी एंड पंडित जी ने देखो मैं बाबू को क्या लगा दिया, माला पहना दिया पंडित जी ने। तो आज तो मैंने अच्छे से दिखाया बाबा। अपने जो भी आप लोग आ नहीं सकते हो तो इसी वीडियो के माध्यम से आप दर्शन कर लीजिएगा। माता को प्रार्थना करते हैं सभी के लिए कि आपका अच्छे जो मनोकामना है सब पूरी हो जाए, ठीक है। तो सब लोग बोलो मेरे साथ में, शीतला माता मैया की जय हो, शीतला माता मैया की जय हो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हैप्पी बर्थडे टू यू मामा। अच्छा थैंक यू, थैंक यू माय सन, थैंक यू माय सन, थैंक यू माय सन। हैप्पी बर्थडे बनको, हैप्पी बर्थडे मामा बनको, थैंक यू माय सन, थैंक यू। हेलो गाइस, तो आज मैं 3 मंथ्स के बाद किचन में आई हूँ। मैंने सोचा कि आज मेरा बर्थडे है तो मैं बर्थडे का दिन मैं खाना बनाऊँगी, मैं डिनर बनाऊँगी। मम्मी और मेरा हस्बैंड रेस्ट कर रहे हैं, मम्मी तो बिग बी के साथ है, मेरा हस्बैंड रेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज मेरा बर्थडे है, आफ्टर 3 मंथ्स, 7 मंथ्स के बाद मैंने खाना ही नहीं बनाया। 6 महीने के बाद मैं किचन पे आई हूँ, क्योंकि जब मैं 7 मंथ की प्रेग्नेंट थी तब से मतलब मैंने कुक रखा था खाना बनाने के लिए, तो अभी तक भी मैंने नहीं बनाया। तो मैंने आज मेरा बर्थडे है तो आंटी को छुट्टी दिया, बाकी दिन मम्मी बनाती थी जब भी आंटी नहीं आती थी। तो आज मम्मी को भी मैंने बोला आप बैठो मैं करती हूँ। तो आज मेरा बर्थडे के दिन डिनर में स्पेशल बना रही हूँ। देखो गाइस यहाँ पे मेरा नाक से खून निकल रहा है, क्योंकि कुछ महीनों से थोड़ा मेरा ना, जब से गर्मी स्टार्ट हुआ है ना तब से मेरा नाक ना ड्राई होता है। तो मैंने नाक में हाथ लगा लिया था, पिछले हफ्ते भी ऐसे ही हुआ था, मैंने नाक में उंगली लगा लिया था तो फट गया नाकरी फूटना बोलते हैं इसको, तो हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, नेपाली में तो नाकरी फूटना बोलते। तो देखो ये इतना ब्लड निकल रहा है, मेरी मम्मी और मेरा हस्बैंड डर गए, बट इसमें डरने की कोई बात नहीं होती, ये थोड़ा देर आता है ब्लड कंटिन्यू आता है तो उसके बाद चला जाता है। तो गाइस आज का दिन बहुत हेक्टिक था, मैंने मतलब आज पूरा दिन का कुछ भी कैप्चर नहीं किया, मैं इतना बिजी हो गई। बर्थडे का दिन कितना बिजी होता है आप लोगों को पता है ना बीबी। तो मैं ना जैसे आया था ना एकदम मतलब धूप की वजह से ना थोड़ा सर भारी भारी से लग रहा था, तो आते ही मैं सो गया। एंड अभी इस ब्लॉग को ना यहीं पे एंड करते हैं, एंड वंस अगेन आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे।
एंड इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार देना। तो चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ओके, और आपको बर्थडे ब्लॉग कैसे लगा वो कमेंट में बताना, और जिसने भी पूरा ब्लॉग देखा कमेंट करना, मैं उसको कुछ स्पेशल दूंगी ओके, फुल ब्लॉग देखने वाले को।